हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पफ स्लीव बनाना बताऊंगी। पफ स्लीव की स्टिचिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको पफ स्लीव की कटिंग करने के बाद इस तरीके से, तो पफ स्लीव की कटिंग मैंने कर रखी है, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें कि प्लेन स्लीव जो होता है वो छोटी साइज होता है पफ स्लीव में एक्स्ट्रा, जो मैंने लिए ड्राफ्टिंग में बता चुकी हूँ। तो स्टिचिंग करने के लिए दो पार्ट मैंने कट कर लिया है, उसके साथ ये पट्टी है जो नीचे की साइड में लगेगा, तो यहाँ पे लगाएंगे, तो उसके लिए भी है, इसका दो पार्ट करेंगे, दोनों में लग जाएगा। आप ये वाला चीज़ जो है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जितना चौड़ाई में आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई लेंगे। जैसे इसकी चौड़ाई अभी मैंने रखा है 1.5 इंच है, 2 इंच है, तो इसको स्टिच होने के बाद ये 1 इंच जितने का दिखेगा। तो पफ स्लीव में पहले गैदर्स बनाएंगे। गैदर्स बनाने के लिए जिसमें भी आपको ऐड करना है उसके उसको आपको पहले कंप्लीट कर लेना है। जैसे मैं ब्लॉक में लगाऊंगी, तो ब्लॉक में लगाने के लिए ब्लॉक मैंने कंप्लीट कर रखा है। अब पहले गैदर्स बनाएंगे, तो फर्स्ट स्लीव्स में गैदर्स बनाएंगे। गैदर्स बनाने के लिए जो टेक्निक है वो दो तरीके से होता है। एक तो आप सीधी स्टिचिंग करके लॉन्ग स्टिचिंग करोगे, जो लंबी सिलाई होती है वो वाली बड़ी स्टिचिंग, और उसके बाद उसको धागा खींच के आप कर सकते हो। दूसरा है कि डायरेक्ट वे से करोगे। डायरेक्ट वे से करने के लिए गैदर्स थोड़ा थोड़ा करके लेते जाना है। इस तरह आपको गैदर्स लेते हुए जितना भी गैदर्स लोगे, जितना आपने एक्स्ट्रा कट किया है उतने में आपको गैदर्स डालने हैं। इसमें दोनों साइड से गैदर्स डालेंगे, अपर से भी और लोअर से भी। तो लोअर में भी जो लोअर हेमलाइन पार्ट है उसमें भी डालेंगे गैदर्स। तो दोनों साइड गैदर्स डालने के बाद अटैच करेंगे। मैंने गैदर्स डाल दिया है, ये ऊपर पार्ट है जो आमोल में जुड़ेगा और ये नीचे पार्ट है, जिसमें मैं इसमें टेप लगाऊंगी। टेप जो कट कर रखा है मैंने 2 इंच का कट कर रखा है, जिसका आपको जैसे ये राइट साइड है, तो राइट साइड से ना लगा के अगर आप रॉन्ग साइड में लगाते हो तो आपकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छे से आएगी। राइट ऑन लेफ्ट रखेंगे, जैसे ये लेफ्ट साइड है और ये फैब्रिक का राइट साइड है, तो राइट ऑन लेफ्ट रख के ये हमारा राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड, और टेप का ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड, तो रॉन्ग साइड में टेप को राइट साइड से रखना। अब ये मैंने लगा दिया है, अब इसको राइट साइड में पलटेंगे और उसके बाद इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे 1/2 इंच लेके, और जो भी स्टिच किया है उसी के ऊपर आपको चलाते जाना है। दोनों स्लीव्स में इसी तरीके से करना है। स्लीव्स कंप्लीट करने के बाद इसका जो मिड पार्ट है, स्लीव्स का जो मिड पार्ट है, इसमें थोड़ा सा नोचेस लगा देंगे ताकि पता चले कि हाँ ये शोल्डर के मिड में ज्वाइन होगा। अब जो राइट साइड है, जैसे ये हमारा राइट साइड है, तो राइट और राइट ये राइट है और स्लीव्स का ये राइट, राइट ऑन राइट रख के इसको पूरी में करते हुए स्टिच कर देंगे।
जो सिलाई हमने चलाया है उसी के ऊपर चलाते जाओ तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ताकि बाद में आपकी सिलाई वो खोलनी ना पड़े। जो गैदर्स डाल रखा है उसको स्टिच हो गया है, अब उसकी साइड सीम लगा देंगे। साइड सीम लगाने के लिए जो भी सीम अलाउंस लिया है उसी के ऊपर सीम चलाते जाना है। तो आपको फिटिंग जो भी आपका आर्म राउंड आर्म का जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको मेजर करना है और उसी के ऊपर स्टिच कर देना है। रेडी है, इस तरीके का लुक आएगा टॉप स्लीव का। तो टॉप स्लीव इसी तरीके से आपको स्टिच करना है। ये तरीका होता है गैदर्स डालने का और उसके बाद उसकी पाइपिंग करके और उसको कंप्लीट करने का। तो आपको ऐसे ही करना है और इसमें बहुत सारे वेरिएशन है जो आप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।